हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सुनीतास किचन। आज हम बेसन और सूजी से एक ऐसा नाश्ता बनाएंगे जिसमें तेल भी कम लगता है, खाने में टेस्टी भी है और झटपट से बन जाता है। चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक ब्लेंडर जार ले लिया है। आधा कप बेसन ले रही हूँ मैं और उसी कप से आधा कप सूजी डाल देंगे। कटोरी से मेज़रमेंट करेंगे तो आधा कटोरी सूजी और आधा कटोरी बेसन। और हम एक आलू डाल देंगे बॉईल किया हुआ, छोटे टुकड़ों में कट करके। ऐसे आलू पसंद नहीं करते हैं तो आलू के बिना भी आप इस नाश्ता को बना सकते हैं। और अब हम यहाँ पे 1/4 कप दही डाल देंगे। फ्रेश दही का मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। कटोरी से डालेंगे तो 1/4 कटोरी दही, 1/2 टीस्पून नमक डाल देंगे और आधा कप पानी डालकर हम इनको ब्लेंड कर लेंगे। और यहाँ पे बैटर मुझे काफ़ी थिक लग रहा है तो आधा कप हम और पानी डाल देंगे और वापस से एक बार ब्लेंड कर लेंगे। सब कुछ अच्छे से मिक्स हो जाए बस। और ये देखिए, यहाँ पे बैटर रेडी है। अब हम इनको एक बोल में ट्रांसफ़र कर लेंगे। बैटर की कंसिस्टेंसी बिल्कुल परफेक्ट है, ऐसा ही बैटर चाहिए हमें। और अब हम बैटर को 10 मिनट के लिए रेस्ट देंगे और 10 मिनट बाद हम देखेंगे बैटर एकदम फ्लफ़ी हो गया है। हम इसमें सोडा वगैरह कुछ भी ऐड नहीं करेंगे, ऐसा ही बैटर चाहिए हमें, ना ज़्यादा गाढ़ा ना ज़्यादा पतला। अब हम इसमें 3 बारीक कटी हुई हरी मिर्च डाल देंगे, 4 टेबलस्पून जितना हम शिमला मिर्च कटा हुआ डाल देंगे और एक मीडियम साइज़ का प्याज को मैंने बारीक कट करके डाल दिया है और एक मीडियम साइज़ का टमाटर को भी मैंने बारीक कट करके डाल दिया है। कलर के लिए हम 1/4 टीस्पून हल्दी डाल देंगे, 1/2 टीस्पून जीरा और 1/2 टीस्पून धनिया पाउडर डाल के मिक्स कर लेंगे। सब्ज़ी आप अपने हिसाब से बड़ा घटा सकते हैं। आपके पास गाजर है तो गाजर को भी ग्रेट करके या छोटे टुकड़ों में कट करके डाल दें, और मटर है तो मटर को क्रश करके डालें। और यहाँ पे बैटर परफेक्ट है। मीडियम फ्लेम में मैंने पैन को गर्म कर लिया है और इसको हम थोड़ा सा ग्रीस कर लेंगे ऑयल से। और बैटर डालने से पहले एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद हम 1 से 1.5 चम्मच जितना डालेंगे बैटर। मैं पैन के हिसाब से बना रही हूँ, आप छोटा साइज़ का भी बना सकते हैं। और इसको हम फैला लेंगे अच्छे से। और अब हम फ्लेम को लो कर देंगे और लो फ्लेम में हम ढक के 1 मिनट एक साइड से पका लेंगे। 1 मिनट बाद हम इसमें 1/2 टीस्पून जितना तेल डालेंगे चारों साइड में। आप ब्रश से भी लगा सकते हैं, ऑयल कम पसंद करते हैं तो। और इसको हम पलट लेंगे ऐसे। कितना सुंदर कलर आ गया है। दूसरी साइड से भी हम ढक के 1 मिनट पका लेंगे। दूसरी साइड से भी मैंने इसे अच्छे से सेक लिया है। आप इसे उत्तपम कह लीजिए, चीला कह लीजिए, हेल्दी और टेस्टी नाश्ता है। और ये देखिए, दूसरी साइड से भी ये बिल्कुल परफेक्ट पका है। मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए। और इसी तरह से हम बाकी का नाश्ता भी बना लेंगे। आज की रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।